हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बायोलॉजी मंत्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट एग्जाम जो है आपका आने वाला है और उसको क्लियर करने के लिए आपको बायोलॉजी पार्ट में बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप है NCERT बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से मिनिमम 10 टाइम्स रिवाइज करना, A to Z फ्रॉम डायग्राम समरी ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको उसका 100 MCQs NCERT बेस्ड MCQs को लगाना है, जिसके लिए मैं बुक फॉलो करती हूँ। जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो बुक है NCERT एट योर फिंगर टिप्स। ये मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने क्विक रिविजन करवाया है। और तीसरा स्टेप है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी भी मैं वीडियो बना रही हूँ और NCERT के क्विक रिविजन की भी मैंने वीडियो बनाई है, और ये मेरा वीडियो जो है ये NCERT एट योर फिंगर टिप्स न्यू बुक जो है आपकी उससे मैंने करवाया है, जिसमें 100 MCQs हैं एज वेल एज NCERT एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चंस को मैंने क्विकली रिवाइज कराया है। क्योंकि कई बार जो हमें लगता है क्वेश्चन बाहर से आ गया है, NCERT से नहीं आया है, वो NCERT एग्जाम्पलर से ले लेते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड लेट्स मूव टू फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सो कम टू द MCQs ऑफ द चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th NCERT बेस्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर और ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स जो है वो आपके ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कब तक होता रहता है? कॉन्टिन्यूअसली होता है। वेयर इन एनिमल्स इट अकर्स अप टू सर्टेन एज। तो नंबर सेकेंड बी इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। प्लेनेरिया हम जानते हैं, प्लेनेरिया में 2 रीजनरेशन होता है। फंजाई जो है एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, यानी ए का 4। देखते हैं हम ए का 4 कहां पर है, हमारा बी में है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, बी का 2nd है एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। ईस्ट जो है आपका बर्डिंग से होता है, करेक्ट है। अमीबा बैनरीफिशन से, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कॉन्टिन्यूस। तो ये हम जानते हैं कि ये कैसे होता है कॉन्टिन्यू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। जब हम जानते हैं फ्रेगमेंटेशन से इजिली मल्टीप्लाई करते हैं फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनम ऑफ मॉसेस। ये सब NCERT से रिलेटेड दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस। हम जानते हैं म्यूल जो है वो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से बनते हैं, मिलकर बनते हैं, उनके जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है अनेबल टू रिप्रोड्यूस हैं। एंड इसके बाद वर्कर भी जो है आप जानते हैं, जो हनी भी होती हैं उसमें क्वीन भी जो है वो फर्टाइल होती है, और जो फीमेल वर्कर भी होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं। मेल ड्रोन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, तो वर्कर भी जो है वो इनफर्टाइल होती हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन में फीमेल्स जो हैं, बहुत से ऐसे कपल होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो वो भी जो है अनेबल टू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पता लगाना है। स्टेटमेंट 1 क्या है? रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम जानते हैं। स्टेटमेंट 2 दो है, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, ये इसका करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। कौन सा है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, करेक्ट है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, करेक्ट है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, करेक्ट है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तीनों ही करेक्ट हैं। ये NCERT में दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं? तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं, ग्रोथ एंड रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस ऐसी चीज है जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रेस्पॉन्ड करते हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है।
तो डिफाइनिंग कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर है, रेस्पॉन्स सिस्टम लाई है, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रोथ जो है वो अब मैंने जैसा कि आपको थ्योरी में बताया हुआ है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, जैसे माउंटेन वगैरह सैंड ऊपर ऊपर इकट्ठी होती जा रही, तो आउटर सर्फेस से वो ग्रो करते जा रहे हैं. रिप्रोडक्शन में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते ही करते हैं, ठीक है, डेड और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ लिविंग भी नहीं करते हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. क्योंकि जैसे वर्कर भी इनफर्टाइल हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, तो ये सारे नहीं करते, इसलिए इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, नॉन लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म में ना पाई जाए. Now come to question number 10. Which one of the following is correct representation of organization level in living beings? हम जानते हैं organization level atomic structure से शुरू होती है, तो देखते हैं atomic किस में है. Subcellular से शुरू है, नहीं, atomic से शुरू है, okay, individual, यानी ये दो जो है B और C atomic level से शुरू है. देख लेते हैं इसको, atomic के बाद molecular, molecular के बाद tissue, cell is missing, तो this one is the incorrect. एटॉमिक के बाद मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर के बाद सबसेलुलर, सबसेलुलर के बाद सेलुलर, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वी नो दैट टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एंड द टर्म टैक्सोनॉमी कॉइन्ड बाय डी कंडोले. फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, ये आप लास्ट टाइम के लिए भी रिवीजन के लिए कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है टैक्सोनॉमी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं. आईसीबीएन क्या है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनक्लेचर है, बायोलॉजिकल नॉमिनक्लेचर नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए. फाउंडर ऑफ बेनोमियल नॉमिनक्लेचर वॉज लीनियस, कार्लस लीनियस जो है बेनोमियल नॉमिनक्लेचर दिया था, जिसमें पहला नाम जो है वो जो नाम होता है उसका पहला अक्षर जो है वो जीनस का होता है और दूसरा स्पीशीज का होता है. दो नाम से बनके साइंटिफिक नेम उन्होंने सजेस्ट किया था कि सभी ऑर्गेनिजम्स का रखा जा सकता है. लिनेनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस किस पर था? वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो बेस था बाहरी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को देखकर उन्होंने किया हुआ था, जिसमें एंड्रोशियम को भी उन्होंने देखा था. मोस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द बायनोमियल नॉमिनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज से लिया गया था? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था. क्यों लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था? क्योंकि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, पैसेज ऑफ टाइम के बाद ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो नाम रख दिया जाता है उसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं करे जा सकते हैं. Plants were given Latin names because it is a simple common language, dead language or none. It is dead language, that's why it is correct. Dead language is correct. In the binomial system of taxonomy developed during 18th century of Carlos Linnaeus, the second word of organism biological name represents. तो दो नाम जो उन्होंने binomial nomenclature में दो words किसी भी scientific name में use करने को बोला गया था, तो पहला नाम genus का था, दूसरा नाम क्या था? Species का था. Which of the following statement regarding the universal rule of biological nomenclature is correct? Biological names are generally in Latin written in italics. ये correct है. The first word incorrect पता करना, ये correct है. The first word in a biological name represent the genus while the second component denotes a species. ये भी correct है. Number C, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed italics to in Latin language origin को indicate करता है, ये correct बात है. अगर हाथ से लिखते हैं तो handwritten होना चाहिए, अगर printed है तो italic language में होना चाहिए ताकि वो Latin origin को show कर सके. The specific epithet starts with a capital letter while the generic epithet starts with a small letter. सही है. It can be illustrated with example Mangifera indica. तो specific जो epithet है वो capital letter से start होगा और ये गलत है. स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जनरिक एपिथेट कैपिटल से, ये गलत एग्जांपल है. दिस वन इज द इनकरेक्ट आंसर. सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल और जूलॉजिकल नेम. जैसा कि होमोसेपियन दोनों कैपिटल कर दिया, गलत है. पैंथरा टिग्रेस ये ठीक है, ये पी केवल कैपिटल है जीनस का, बाकी सब स्मॉल है, ये सब स्मॉल है स्पीशीज का, ये करेक्ट है. दिस वन इज द करेक्ट. पाइसम सेटिवम ये लैटिन लैंग्वेज में इटैलिक्स में नहीं लिखा है. मैग्नीफेरा इंडिका दोनों कैपिटल कर दिया, ये गलत है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द बायोलॉजिकल नेम्स. तो दे आर बायनोमियल करेक्ट है, दे आर डिस्क्रिप्टिव, दे आर यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर. द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैनियन इज रिटन एज फाइकस बेंगेलेसिस एल. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? तो लेटर एल जो है वो लैटिन लैंग्वेज को लैंग्वेज को डिनोट करता है, नहीं. द नेम शुड बी रिटन इन रिवर्स, नहीं. द लेटर एल सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिक लीनियस, ये करेक्ट है,
ये एल जो है वो जिसने इसे डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट का नाम का पहला लेटर होता है। द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज सब स्पीसीज। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ हैव मेनी एडवांटेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ये नहीं करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं। टू क्लैरिफाई द, हाँ डायवर्जेंट इवोल्यूशन कर सकता है लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये नहीं करता। टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म करता है। टू हेल्प अस टू रिमेम्बर ऑर्गेनिज्म विद द ट्रेट्स, यस उनके कैरेक्टरिस्टिक का पता चल सकता है हमें। टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके साइंटिफिक नेम बताता है लेकिन ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी द होल वर्ल्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइड द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड द लैटिन साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ऑर्गेनिज्म का क्या है, तो स्टडी ज्योग्राफी, लोकेट प्लांट्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी इवोल्यूशन, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। हु रोट द स्पीशीज प्लांटेरम, एंड जिसने लिखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो ये जो है ये सो कार्लस लीनियस, ये इन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम लिखा था। इसके बारे में मैं आगे अभी और डिटेल में बताती हूँ। कार्लस लीनियस जो है कहाँ पे बिलोंग करते थे, ये स्वीडिश स्वीडन के थे, तो इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है सीबीएसई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लीनियस, तो सिस्टमा नेचुरी। मैं आपको बता दूं कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था वो लीनियस ने डेवलप किया था, किस बुक में लिखा था, फिलोसफिया बोटैनिका 1751 में लिखा था, 1751 में लीनियस ने डिस्क्राइब किया था 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में 1753 में, और 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल उन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में 1758 में लिखा था। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, आगे चल के इसको आपको मिलेगा। तो यहां पर मैं बता दूं कि जो बुक कंट्रीब्यूट करी थी लीनियस ने वो कौन सी है, सिस्टमा नेचुरी। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बोटिन बायनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज डेवलप बाय लीनियस इन हिज बुक फिलोसफिया बोटैनिका में रखा था। लीनियस ने 5900 स्पीशीज जो है प्लांट्स अपनी किस बुक में लिखा था, अभी मैंने बताया 1753, स्पीशीज प्लांट है तो प्लांटेरम ही होगा, स्पीशीज प्लांटेरम। और 4326 स्पीशीज एनिमल्स की किस बुक में लिखे थे, सिस्टमा नेचुरी में, तो डी वन इज द करेक्ट आंसर। फिर एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने, हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीशीज, जो वर्ड स्पीशीज है वो लिखा था, दिया था जॉन रे ने। मैथ्स कॉलम वन एंड टू, तो इसको हम देख लेते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो आपको पता है लीनियस है, तो ए का तो थर्ड है, तो दो ऊपर ए का थर्ड हो गया। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लीनियस में हो गए। उसके बाद ये जो आपके हैं फादर ऑफ बॉटनी हम जानते हैं थियोफ्रेस्टस हैं, और फादर ऑफ मेडिसिन हम जानते हैं हिपोक्रेट्स हैं, और ये जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, ए थर्ड, ए का थर्ड है, और बी सेकेंड दोनों में है, तो बी जो है वो सेकेंड दोनों में ही है, और सी फोर किसका है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, दिस वन ए इज द करेक्ट आंसर। 35 का ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। 36 में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इट डील्स विद द बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो ये हम देखते हैं कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में स्पीशीज जो है इज कंसिडर्ड टू बी डायनेमिक, स्पीशीज जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इट डील्स विद, कौन सा इसमें करेक्ट है पहले हम ये देखते हैं, डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये करेक्ट है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशीज, ये इसको जो है आप भी करेक्ट मान सकते हैं। द स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, नो इट इज अ डायनेमिक, तो दिस वन इज द इनकरेक्ट, एंड इट हैज अ बायोसिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, दिस वन इज द करेक्ट। नाउ कम टू 37, अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिफर्स टू द बेसिक और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है रिफर करता है रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो ये जो है इसका ये इसको रिप्रेजेंट जो क्या करता है, रैंक या लेवल बताता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, दिस वन इज अ करेक्ट। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये होता है हायरार्की, ये आपका हायरार्की है। कम टू 39 क्वेश्चन है, द टर्म टैक्सोन, जो 39 आपका है, द टर्म टैक्सोन जो है वो इज यूज किस चीज के लिए, स्पीशीज जीनस के लिए, नहीं रैंक अप ऑफ द फाइलम, नहीं स्पीशीज एपिथेट ओनली, नो एनी रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर। विच वन टर्म कैन बी यूज इन टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक रैंक में हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, टैक्सोन यूज करते हैं।
फिर इसके बाद बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज, इसको आप सर्कल कर लेंगे लास्ट डे में रिवाइज करने के लिए। द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, स्पीशीज पे डिपेंड करता है। देन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, करेक्ट पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग एनाटॉमी हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, सही है। सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कैटलॉगिंग प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म कैटेगरीज दैट नेम रिमेंबर कंपेयर्ड एंड स्टडीड, ये भी सही है। क्लासिफिकेशन इज द बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रोसीजर एंड आइडेंटिफिकेशन, नहीं, ये टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच, तो दिस वन इज द इनकरेक्ट। Then among the all the kingdoms, the only taxon that exists in nature as a biologically cohesive unit is, तो ये आपका कौन सा है, species। A true species consists of a population which is, जो वो true species जो population consists करती है, तो वो कौन सी होती है, जो आपस में क्या कर सके, interbreed कर सके, ठीक है। In biologically terminology, a group of organism, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, वो क्या होते हैं, स्पीशीज होते हैं, ये हम लोग अभी कर चुके हैं। मैंगीफेरा क्या है, एक जीनस है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीशीज, देन अ कलेक्शन ऑफ स्पीशीज विच बियर अ क्लोज रिजेंबल्स विद ईच अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स इज नोन एज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीनस। ये तो बहुत ईजी ईजी आंसर्स है। Now come to the question number 50. Select the incorrect statement with respect to the category genus. तो कौन सा incorrect statement? It is a group of assemblage of related species. Correct है. A genus essentially possesses more than one number of species. तो जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा हो सकता है किसी, जैसे होमो सेपियंस एक ही है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक ही होता है। लायन, टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर आर द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच हैव द प्लेसेस इन द जीनस पैंथरा एंड रेस्पेक्टिवली फैम नेम दिस पैंथरा लियो, टिग्रिस, टार्डस और ओंका, इट इज करेक्ट। सोलनम, पेंसिलियम, विदाना एंड कैनिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेनरा, ये भी करेक्ट है, यानी बी इज द इनकरेक्ट वन। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कैट्स जो है वो किस जीनस में प्लेस, देखो कैट का जो जीनस होता है वो फेलिस होता है, और डॉग का जो होता है वो क्या होता है, कैनिस होता है। पैंथरा तो आपको पता है टाइगर और इन सब का होता है, लायन लेपर्ड का। इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश कैटला कैटला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद जनरल नेम दस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल जिसमें दोनों नाम एक जैसे हो, जीनस स्पीशीज के नाम एक जैसे हो, तो ये टॉटोनिम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है टॉटोनिम होता है, ऐसे और भी कौन कई नाम है, जैसे रेटस रेटस है, गोरिल्ला गोरिल्ला है, वेस्टर्न गोरिल्ला का, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कैटला कैटला फिश हो गई आपकी। देन विच वन ऑफ द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, कौन सा ऑड वन है, सेपियन स्पीशीज का नाम है, अमेरिकाना स्पीशीज का नाम है, रोटंडस स्पीशीज का नाम है, हेमिडेक्टाइलस जीनस का नाम है, तो ये आपका ऑड हो गया। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, लेवल ऑफ फैमिली, फैमिली के नीचे क्या आता है, जीनस, और फिर क्या आता है, स्पीशीज, तो जीनस आता है इसके नीचे। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड, जीनस किसके बीच में होता है, जीनस होता है फैमिली और स्पीशीज के बीच में। डी, रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम, रिलेटेड जेनरा है तो किसको बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। सफिक्स ओडीआई इज यूज, देखो जैसे अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन उनके हिसाब से जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनका जो स्टैंडर्ड सफिक्स है उनको एंड होना चाहिए प्लांट्स के लिए, जैसे कि सब फैमिली ओडीआई, सब फैमिली किससे एंड होनी चाहिए प्लांट के केस में, ओडीआई से एड होनी चाहिए, तो ओडीआई किससे है, सब फैमिली को रिलेट कर रहा है। इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड, देखो फैमिली किसके बीच में, जब मैंने आपको बोला, देखिए लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया कि किंगडम हो गया सबसे पहले, फिर आपको डिवीजन आता है या फाइलम आता है, डिवीजन आता है प्लांट के केस में, फाइलम आता है एनिमल्स के केस में, इसके बाद आप बीच का आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कॉफ लर्न कर लीजिए, क्लास ऑर्डर फैमिली कॉफ, ठीक है। इसके बाद जीनस स्पीशीज आपको पता ही है, तो अब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली किसके बीच में आ गई, कॉफ, ऑर्डर के बाद फैमिली, यानी पहले ऑर्डर फैमिली, फैमिली के बाद तो पता है जीनस आता है, तो ऑर्डर और इसके बीच में जीनस के बीच में फैमिली आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल द अदर्स, तो जो है बाकियों को सब इंक्लूड करता है, तो सबसे ऊपर कौन है, कॉफ, क्लास, क्लास है इसमें नहीं, देखो किंगडम नहीं है, फाइलम डिवीजन नहीं है, क्लास नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर सबसे ऊंचा है, उसके अंदर ये सारे आते हैं। द नेम ऑफ द प्लांट ऑर्डर एंड्स विद, तो ऑर्डर जो है वो किसमें, पोएल्स, ऑर्डर जो है एल से एंड होता है प्लांट के केस में। इन विच ऑफ द ऑर्डर यू कैन प्लेस गोरिल्ला, तो गोरिल्ला क्या है, प्राइमाटा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड द वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, तो ऑर्डर किसमें आते हैं, कॉफ, क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू नेक्स्ट,
टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली. सेम क्लास में तो है लेकिन सेम फैमिली में नहीं है, तो दे बिलोंग टू, तो वो किसको बिलोंग करते हैं? देखो जीनस, स्पीशीज, वेराइटी, ये सब तो फैमिली से छोटा है, यानी वो किस पे बिलोंग करते हैं? सेम ऑर्डर में भी. एक ऑर्डर में फैमिली हो सकती है जिसके अंदर जो है हो सकता है एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हो. ठीक है, क्लास ऑर्डर फैमिली, तो हो सकता है वो सेम फैमिली को बिलोंग ना करते हो लेकिन सेम क्लास को बिलोंग करते हो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पॉसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स? जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं हायरकी में, टैक्सोनॉमिक हायरकी में, नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं. तो स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं. एव्स टैक्सोनॉमिकली प्रेजेंट, एव्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एव्स इज अ फाइलम, ये फाइलम है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, करेक्ट है. फाइसेलिया, एपिस, हेलियंथस जेनेरिक है, ठीक है. मोनोकोटिलेडोनी, डायकोटिलेडोनी आर द टू क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ये भी सही है. फाइलम कॉर्डाटा इज द लार्जेस्ट फाइलम, नहीं, फाइलम कॉर्डाटा लार्जेस्ट नहीं है, ऑर्थोपोडा है. ऑर्थोपोडा में 900,000 स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज है. तो दिस इज द इनकरेक्ट. टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम को है लेकिन डिफरेंट क्लासेस को है, तो वो यानी दे बिलोंग टू, एनिमल की बात हो रही है तो एनिमल में मैंने बताया फाइलम होते हैं, तो वो किसको बिलोंग करते हैं? डिफरेंट फाइलम को बिलोंग करते होंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन एनिमल? करेक्ट क्लासिफिकेशन किसका कौन है? मैमेलिया, फेलिडेई, नहीं, फेलिडेई तो जो है कैट का होता है. देन वर्टिब्रा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडेई एंड ये आपका वर्टिब्राटा, फाइलम एंड पैंथ्रा. वर्टिब्राटा नहीं है, कॉर्डाटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडेई, पैंथ्रा एंड टिग्रिस, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ अबाउट दिस. Then, given the two flow chart represent the hierarchy of the various taxonomic categories missing A, B, C. देखिए जैसे मैंने बताया कॉफ, तो कॉफ क्या होगा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली. बी यानी कॉफ क्लास होगा, सी किंगडम, बी क्लास और ए जो है आपका फैमिली. ए इज द कंटेन द नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है. बी एग्जाम्पल्स ऑफ द बी इज द मोनोकोटिलेडोनी और डायकोटिलेडोनी मेमना, ये क्लास है, ठीक है. सी रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सी बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट स्पीशीज होती है. यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तो गलत हो गया आपका. एंड एग्जाम्पल ऑफ सी आर द फंजाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एटेक्सा, तो ये नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की? करेक्ट सीक्वेंस कौन सा? मैंने आपको जैसे कॉफ बताया, सी ओ एफ, कॉफ, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, तो सी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद आप जा रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल, तो इसमें कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट वो करेक्ट होगा? ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फैला आर असाइन टू द किंगडम एनिमेलिया. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जितने भी एनिमल्स हैं वो वेरियस फैला को असाइन टू किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, सही है. एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम नंबर कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीज, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं ना कि इंक्रीज, तो दिस वन इज द इनकरेक्ट. बाकी भी देख लेते हैं, डिफरेंट क्लासेस कंप्राइजेस फिशेस, एम्फीबियन, ये सब जो है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट फाइलम कॉर्डाटा, ये सही है. प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स जो है फैमिली लाइक सोलेनेसी एंड कोलोनेसी बेस्ड ऑन द वेजिटेटी एंड फ्लोरल कैरेक्टर, ये भी सही है. तो सेकंड इज द इनकरेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर? लीस्ट सिमिलर जो सबसे ऊपर होगा, तो कौन सा है? तो कॉफ क्लास सबसे बड़ा है इनमें, क्लास है इसका आंसर. सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन प्लांट. प्लस करेक्ट क्लासिफिकेशन में इसमें देखिए ये डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, ठीक है, ये तो करेक्ट है. डायक्लोडलिन है, दो का है, ठीक है. फिर पॉलिन है, पॉलीमोनियल्स जो है तो वो तो आपका इसका नहीं है. एस्टेरियल्स और एस्टेरेसी फैमिली का है ये, क्योंकि कंपोजिटी एस्टेरेसी फैमिली का है ये सनफ्लावर. इसके बाद ये बी इज द करेक्ट आंसर. स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स एंड शो द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. देखिए मैन, होमिनेडे, प्राइमेटा और मैमेलिया, और ये इसमें फाइलम कौन सा होगा? कॉर्डाटा. तो ए क्या होना चाहिए? कॉर्डाटा होना चाहिए, ठीक है. डिप्टेरिया हो गया आपका. सी जो है मैंगो, और इसका फैमिली जो है आपका पोएसी, पोएल्स. इसके बाद क्लास क्या होगा ये देख लेते हैं इसमें आंसर. तो कॉर्डाटा देखते हैं, इसमें दो में कॉर्डाटा है. और बी जो है वो इंसेक्टा, देखते हैं बी क्या है.
तो बी इज द डैप्टेरा इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा सही है. फिर सी जो है एनाकार्डियेसी और मोनोकॉटले, इन्हीं दो में कॉर्ड आता है तो आर्केनेडा तो ये तो होगा नहीं, यही वाला करेक्ट है एंड मोनोकॉटलेडोनी. तो इसमें देख लेते हैं बी जो ए जो है वो कॉर्डाटा करेक्ट है. बी क्या बोल रहे हैं इंसेक्टा, इंसेक्टा भी क्लास इसका हाउसफ्लाई का करेक्ट है. मैंगो का फैमिली जो है एनाकार्डेसी है सही है. और वीट पोएसी पोएस क्लास जो है मोनोकॉटलीडोनी है, ये भी सही है. तो ये ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, कौन सा, ग्लूमेसी कोई कैटेगरी नहीं है. ठीक है, ग्लूमेसी कोई कैटेगरी नहीं है. सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, पैंथ्रा लियो बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया, मस्का डोमेस्टिका द क्लास कॉमन हाउस लिजर्ड और रेप्टाइल. मस्का डोमेस्टिका जो है कॉमन रेप्टाइल है. एंटामीबा कॉमनली प्रोटोजोन एंड इंटेस्टाइन सोलेनम टेबल डाइक्लोडन, ये तो सही है, ये भी सही, बिलोंग टू क्लास मेमेलिया. दिस इज द इनकरेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर्स आर मेनली कंसिडर्ड डिक्लेइंग न्यू प्लांट स्पीशीज, तो कौन सा कैरेक्टर जो है वो मेनली कंसिडर किया जाता है न्यू प्लांट स्पीशीज के लिए. तो एज आई थिंक इट इज अ फ्लोरल कैरेक्टर. ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 78. मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. जॉन रे कार्लियस लीनियस हम देख लेते हैं. कार्लियस लीनियस जो है वो कौन थे, इंट्रोड्यूस द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी बी का फोर किसमें है. देखिए बी का फोर इन दोनों में नहीं है, इसमें केवल इसमें है. यहीं से पकड़ में आ रहा है कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर, बाकी चेक कर लेते हैं. ए का सेकंड, ए जो है फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज, हम जानते हैं जॉन रे ने स्पीशीज को टर्म दिया था, स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था, सही है. इसके बाद बी जो है फोर, ये भी सही है. सी सेकंड, एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ जियोलॉजी है, ये भी सही है. जूलियन हक्सले गिव द कॉन्सेप्ट न्यू सिस्टमैटिक, सही है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट्स फ्रॉम टू फॉर्म द हर्बेरियम शीट, तो कौन सा जो है फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट करता है. बोथ ए एंड ए एज अ प्लांट पार्ट्स आर फोल्डेड, ए एज अ प्लांट पार्ट्स आर फोल्डेड. बी इज वेरी प्लांट एज अनफोल्डेड, ए एंड बी फोल्डिंग अनफोल्डिंग. तो बी इज द करेक्ट, अनफोल्डेड होना चाहिए तभी आप इसको प्रेस करके रख सकते हैं. तो ये हो गया 79. ठीक है, स्टडी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट, प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, करेक्ट है. एवरी डिटेल रिगार्डिंग द प्लांट सच एज लोकेलिटी, इकोलॉजिकल कंडीशन, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स शुड बी नोटेड, करेक्ट है. प्लांट्स आर इवनली प्रेस थ्रू अनफोल्डिंग ऑल द प्लांट्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर और न्यूज पेपर विद द हेल्प ऑफ प्लांट प्रेशर, ठीक है. ब्लॉटिंग पेपर्स नीड नॉट बी चेंज अंटिल द प्लांट गेट्स ड्राइड, नहीं, बीच में इसे चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो गीला हो जाता है, उससे फंगस लगने का डर रहता है. तो दिस वन इज द इनकरेक्ट आंसर. आफ्टर ड्राइंग द प्लांट स्पेसिमेन इज केयरफुली माउंटेड पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट, ठीक है. हर्बेरियम शीट शुड बी लेबल्ड इन लोअर राइट हैंड कॉर्नर प्रेजेंट इन द नंबर स्पेसिमेन डेट कलेक्शन, ये भी सही है. तो कौन सा स्टेटमेंट नॉन करेक्ट है, नंबर 4. बोटेनिकल गार्डन्स मेनली सर्व द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्यूटीफुल एरिया, नहीं, रिजर्वायर फॉर ट्रॉपिकल नेचुरल वेटे एक्सी टू कंजर्वेशन. बोटेनिकल गार्डन जो है एक्सी टू लोकेलिटी से हटाकर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनको बाहर जो जिस जगह वो रहते हैं उस जगह से हटाकर उन्हें सेफ एरिया में रखने को बोलते हैं ताकि उन्हें ग्रो किया जा सके, उन्हें बचाया जा सकते. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. नंबर 82, तो 82 में जो है ये आपका कौन सा सही है, रॉयल, ये अच्छे से कर लेंगे, इससे आपको बहुत देखने को मिलेगा. देखिए ये सबसे चीज जो आपको एनबीआरआई आप जानते हैं लखनऊ में है, तो यानी सी का 1 कहां पर है, सी 1 कहां पर है, दो जगह पर है सी 1, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा. ठीक है, पहले तो आपने ये देखा. इसके बाद आप जानते हैं कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू जो है आपका इंग्लैंड में है, तो ए का सेकंड होना चाहिए, सी का सेकंड, ए का सेकंड, तो किसमें, नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी भी चेक कर लेते हैं. ए सेकंड, रॉयल बोटेनिकल एनबीआरआई लखनऊ में होता है, ठीक है. इंडियन बोटेनिकल गार्डन नंबर 3 हावड़ा कलकत्ता में है, एंड डी फोलेट बोटेनिकल गार्डन आपका दार्जिलिंग में है. तो दिस वन इज द करेक्ट, इसे वैसे भी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे. नो, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन. तो इसमें जो है आपको बोटेनिकल गार्डन के बारे में देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. तो इसको हम देख लेते हैं. दीज हेल्प्स इन ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड, ठीक है. हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, ये भी ठीक है. ग्रोइंग मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट्स, ये भी सही है. नन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर. तो आर्बोरिटम इज अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन. ये आर्बोरिटम जो है क्या होता है, जहां पर बॉन्साई आर मेड, ब्यूटिफिकेशन इज डन, पाम्स
जहां पर ग्रो किए जाते हैं, बिग ट्रीज आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. तो डी इज द करेक्ट आंसर. बिग ट्रीज में बनाए जाते हैं, जो रखे जाते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में. बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस. तो अगर हम देखें तो हमें इसमें जो है कौन सा देखना है, इनकरेक्ट वाला देखना. तो वन इज करेक्ट. म्यूजियम हैव कलेक्शन प्रिजर्व माय एनिमल्स फॉर स्टडी फॉर रेफरेंस. ठीक है. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व. स्पेसिमेंस जो है वो प्रिजर्व होते हैं इन द कंटेनर्स जान प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. ये भी सही है. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग. ये भी आपका सही है. ठीक है. एंड ये इसके बाद लार्जर बर्ड्स मैमल्स आर यूज स्टफ्ड एंड प्रिजर्व. ये भी ठीक है. स्केल्टन्स ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड. ये गलत है. स्केल्टन भी रखे जाते हैं. तो ये इनकरेक्ट है. मैज फॉलोइंग इसमें देखते हैं नंबर वन एंड सेकेंड. इसमें कॉलम वन और टू को करते हैं. बोटेनिकल गार्डन जो है आप किस लिए, लिविंग प्लांट्स. जूलॉजिकल पार्क जो है वो आपका लिविंग वाइल्ड एनिमल्स. म्यूजियम जो है तो देख लेते हैं इसमें क्या है. हर्बेरियम में क्या करते हैं आप, प्लांट को स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं ना. तो डी का वन देखते हैं किसमें है करेक्ट आंसर. देखिए ये यहीं से आपको पकड़ में आ गया. डी वन यानी ये वाला करेक्ट आंसर है. 86 का बी करेक्ट आंसर है. यहीं से आपने पकड़ लिया. जो आपको पता है उसको पहले देखिए. तो ए थर्ड बोटेनिकल गार्डन, ए थर्ड लिविंग प्लांट करेक्ट है. जूलॉजिकल पार्क बी फोर लिविंग वाइल्ड एनिमल सही है. म्यूजियम जो है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन ठीक है. डी वन तो बी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज. तो हर्बेरियम यूज किया जाता है. रीड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेसेज वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. सही है. इसमें हम देखते हैं एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट मेडिकेशन रेगुलर चेकअप पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आर पॉसिबल एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी मेड फॉर द हेल्थ केयर एंड अनकीप ऑफ द एनिमल्स. बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इसके करेक्ट हैं. तो 88 का नंबर वन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो कम टू द नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज 89 क्वेश्चन. नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहां पर सिचुएटेड है. नेशनल जूलॉजिकल पार्क आपका सिचुएटेड है दिल्ली में. ठीक है. की इज द टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ईच स्टेटमेंट इज इन अ की इज कॉल्ड. जो की है उसके हर एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं. की जो है वो एक टैक्सोनॉमिकल एज है जिसको कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में किया जाता है. की जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है जिसके पेयर को कपलेट बोलते हैं, जिसमें च्वाइस बनाई जाती है, टू अपोजिट ऑप्शन रखा जाता है जिसमें एक को आपको एक्सेप्ट करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है, और हर स्टेटमेंट की का लीड कहलाता है. ये मैं पढ़ा चुकी हूँ. द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर यूज इन. तो किसमें हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक कीज में. कपलेट इन अ की, कपलेट इन अ की क्या होते हैं, ये कपलेट इन अ की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पेयर होते हैं. अभी मैंने आपको बताया. 93 इट इज अ टैक्सोनॉमिक एड विच कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया. इज ऑल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. टैक्सोनॉमिक एड जो कि एक्चुअल हैबिटेट उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट की उस जगह पर बताए. प्लांट के बारे में बात हो रही है तो ये क्या होगा, फ्लोरा. फ्लोरा आप जानते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट गिवन पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताता है. द प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिया सराउंडेड बाय ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन. तो ये जो है ये प्लांट का अगर है तो इट विल बी फ्लोरा. विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड कम्प्रेहेंसिव अकाउंट टू कम्प्लीट कम्पाइल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ जीनस ऑफ अ फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो जो है पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही जीनस है फैमिली के बारे में बताए. ये आपका हो गया मोनोग्राफ. मोनोग्राफ कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन के बारे में ही बताता है. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस. तो ये हम आपको बताते हैं कि 96 जो है इसमें हर्बेरियम, इसमें हमें करेक्ट बताना है. हर्बेरियम स्टोर ऑज कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज राइट प्रेजेंट प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. इसके बाद फ्लोरा प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो ये जो है ये भी ठीक है. इसके बाद जो है नंबर थर्ड में हम आ जाते हैं मोनोग्राफ कंटेन्स. नंबर थर्ड मोनोग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टैक्सन. तो ये भी सही है. डी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद हम 97 में आ जाते हैं. 97 हमारा क्या है, फ्लोरल फीचर्स. 97 फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं इसलिए हम यूज करते हैं. अब आप आज इसमें आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं. ये देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग में क्या दिया हुआ है. इकोलॉजी जो है वो क्या है, टैक्सोन क्या है. टैक्सोन हम जानते हैं एक हायरकल यूनिट है.
ठीक है, तो हम देख लेते हैं डी का थर्ड किस में है, डी का थर्ड दो में है। अब आगे देखते हैं हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम आपका कलेक्शन ऑफ वाइल्ड और डोमेस्टिक प्लांट्स होता है हर्बेरियम। डी का बी का फोर, तो बी का फोर और डी का आपका टैक्सोन इज अ हायरार्की। डी का थर्ड एंड बी का फोर, ये है डी का थर्ड एंड बी का फोर, ये वाला करेक्ट आंसर है। ए वन देख लेते हैं, इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ये करेक्ट है। बी का फोर ठीक है। होलोटाइप क्या है, ओरिजिनल स्पेसिमेन साइटेड बाय एन ऑथर, ये भी सही है। डी का थर्ड, ये तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज के बारे में अगर हमें पता करना है किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका मैनुअल्स एंड देन कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग आपका है लिस्ट ऑफ रजिस्टर कंटेन नेम्स, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें तो आंसर इन्होंने नहीं दिया है, विच वन इज द करेक्ट, लिस्ट फॉर रजिस्टर कंटेनिंग ऑल द स्पीशीज एंड फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया, इनके से ऑप्शन ये भूल गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने 100 क्वेश्चन। अब मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, कई बार नीट में जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हमें इसे भी छोड़ना नहीं है, करना है। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जैसे हम जो है स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिसेज यूज इन द यूनिट्स फॉर क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली, तो हम जानते हैं सफिक्स कौन सा हम यूज करते हैं फैमिली के लिए, तो आप फैमिली के लिए कौन सी फैमिली आप यूज करते हैं, सोलेनेसी हो गया है ना, तो एसी आप यूज कर रहे हैं तो टू का सी। द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स किसके लिए हम यूज करते हैं, डायवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन प्रिजर्व नहीं, स्टडी ऑफ हैबिटेट नहीं, डायवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप के लिए उनके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में। जीनस जो रिप्रेजेंट जो होता है वो किसको करता है, इंडिविजुअल प्लांट नहीं, कलेक्शन ऑफ प्लांट नहीं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सी इज द करेक्ट आंसर। टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू द हायरार्की लेवल इन क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो फाइलम प्लांट के केस में हम क्या यूज करते हैं उस वर्ड को, डिविजन यूज करते हैं। नंबर सिक्स में आ जाए, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स जो है आपके क्या होते हैं, एंडेमिक और लिविंग स्पीशीज को केवल रखते हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज या दोनों को रखते हैं, लिविंग ये दोनों को रखते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, टैक्सोनॉमिक की जो है किसके लिए यूज होती है, दोनों के लिए, मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों के बनाने के लिए यूज होती है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं क्यों, क्योंकि दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, शेयर जेनेटिक बट टू वेरिंग डिग्री, ऑल दे हैव सम, तो ये तीन पूरे ही सारे ही चीजें करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है, नहीं एबिलिटी टू मेक साउंड, नहीं रिप्रोडक्शन, नहीं ये कॉन्शियसनेस इज द रेस्पॉन्सिवनेस जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हमें चूज करना है कौन सा इसका करेक्ट है, तो जो आपको आता है वो देख लीजिए कौन सा है, सोलेनम सोलेनेसी प्लांटे, सोलेनम पोलियन, ट्यूबरोसम, आप जानते हैं ट्यूबरोसम जो है वो क्या है, स्पीशीज है, तो यानी डी का वन दो जगह पर है, यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर होना चाहिए। फैमिली में मैंने बताया सोलेनेसी, ए का फाइव हो तो ये ए का फाइव तो ये दोनों में ही है, तो डी का वन ए का फाइव, ठीक है। इसके बाद किंगडम क्या होगा, प्लांटे ही, तो किंगडम बी का क्या होना चाहिए, बी का फोर, तो बी का फोर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, आई डी नंबर वन जो है ट्यूबरोसम जो है वो डी का है, स्पीशीज है। सेकेंड पॉलीमेनियस जो है सी, ऑर्डर है। थर्ड जो है सोलेनम ई है, जीनस है। फोर जो है वो बी है, प्लांटे किंगडम है। फाइव जो है फैमिली है, सोलेनेसी जो है वो फैमिली है, ठीक है। नंबर टेन इज करेक्ट। तो मैंने सारे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एज वेल एज 100 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी करवा दिए हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इससे अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इससे अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कई बार इस वीडियो को देख लीजिए, और मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर क्विकली रिवाइज कराया है उससे आप कर लीजिए, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, सारे ही क्वेश्चन आप कर पाए।